उसका नंबर दो कल फोटो खींच रहे थे हमारे हस्बैंड का कहीं पेपर में ना छपा रहे हो हमारे हॉस्पिटल के तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत। और पीछे पे महाशय देखिए भाई, ये अपने भाई आनंद, पता नहीं हेलो गाइस कैसे हो आप लोग। भाई ये तो छेड़छाड़ करता रहता, मतलब मैं इसको आगे बोल रहा था कि भाई तुझे तू तो ग्रेजुएशन ऐसे ही कर रहा, मतलब मुझे कह रहा है तो मैं इसको बोला भाई तुझे आईआईटी करना चाहिए था, क्योंकि ये भाई बीटेक करना चाहिए, खतरनाक खतरनाक काम कर रहा है। आगे बोल रहा कि मैं एक स्टैंड बना रहा कह के। तो चलिए दोस्तों, अभी जरा चलते हैं बाहर। और अभी टाइम हो रहा है 11:15 हो गया, 11:13 हो गया, 11:15 समझ लो। तो अभी मैं सुबह से बाहर ही नहीं गया, तो जरा बाहर चलते हैं। और अभी लग रहा है हमारा हॉस्टल में फिल्टर, एक फिल्टर पहले लगा था लेकिन वो हो गया ख़राब, आज फिर से दोबारा एक न्यू फिल्टर लग रहा है। तो आपको जरा तो ये रहा दोस्तों हमारा न्यू फिल्टर, और पुराना वाला रहा इधर से ये वाला। तो ये हो चुका है डैमेज। और अभी जो ये कनेक्शन है लाइटिंग की, तो ये एक्चुअली मेरे रूम से, मतलब ऐसे ही चेक करने के लिए, तो शायद अभी साउंड अच्छे से ना आ रहा हो। तो अभी इसको कहाँ पे लगाएंगे आना, इधर इधर पे लगा रहे हैं। तो मैं भाई इसको बोल रहा था, ये मतलब इसको तो हम इंजीनियर भी बना सकते हैं वैसे, इतना तगड़ा आदमी है। तभी बोले इसको आईआईटी कर ले, साइंटिस्ट बन सकता। तो क्या हुआ, गर्म हो रहा है, वो गर्म ही होता भाई वो। तो दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा हॉस्टल का मेन गेट, चैनल गेट, और बाकी ये रहा अपना हॉस्टल। और ये आपको पुराना लग रहा होगा, लेकिन अंदर से काफ़ी ठीक है। इस पर बस कलर करना बाकी, और देख लो लगभग मुझे नहीं लगता 15-20 सालों से इस पर कोई कलर हुआ होगा। इसी के साथ ही का उधर सामने पे एक हॉस्टल है, तो उस पर कलर हो रखा, तो वो काफ़ी नया लग रहा है। तो दोस्तों ये बन रहा है हमारा जो श्रीदेव सुमन का, बोल सकते हैं कि नया कैंपस। तो ये है मैन, अभी जो काम स्टार्ट हो रखा है ये बन रखा, तो इस पर पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट बनेंगे। अभी काफ़ी बड़ा है ये, तो देख सकते हैं इधर पे, एक बार आपको जूम करके भी दिखा लेता हूँ। तो ये बन रहा है नया, और इसके इधर पे हॉस्टल है, और एक उधर हॉस्टल है। और तो दोस्तों देख सकते हैं भाई इधर कितना ज़्यादा कीचड़ हो रखा है पूरा। इधर तो कम ही लग रहा है, लेकिन इधर साइड देखो पूरा कीचड़ हो रखा है, वो लास्ट उधर कॉलेज पे तक जहाँ पे वो बिल्डिंग बन रही। और इधर पूरी मिट्टी के ढेर, मिट्टी के ढेर। और भाई ये बन रहा है यहाँ पे, मतलब ऑडिटोरियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे का पोर्शन होता है, तो वो बन रहा है यहाँ पे, जैसे भी देख सकते हैं। तो ये सीमेंट का बन रहा है, तो इसके ऊपर फिर मतलब वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, पहले बेस बनाएंगे इसका पूरा, तो उसके बाद ऊपर बनेगा ऑडिटोरियम। तो काफ़ी बड़ा बनेगा, यहाँ से लेकर वहाँ पे तक ऑडिटोरियम बनेगा। और बाकी इधर है सामने का व्यू, नीचे चमोली हो गया यहाँ नीचे, और बाकी इधर लोगों के घर वगैरह। और आज मौसम देखो तो पेड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, केवल गोपेश्वरम पेड़ इधर कॉलेज साइड ही है, बाकी उधर घेंगरान साइड उधर होगी, इधर उधर उधर दूर दूर है, लेकिन मार्केट के अंदर इतने सारे पेड़ नहीं है जितने कि यहाँ कॉलेज में। तो दोस्तों भाई अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा कॉलेज में, और कॉलेज में जा रहा हूँ ज़रा एक असाइनमेंट मैंने जमा करना था हिस्ट्री में। तो एक्चुअली मेरे पे सेकंड सेम में बैक लगी थी हिस्ट्री में, तो बैक का रीज़न ये है कि मैं जो आर्मी की भर्ती होती है उस टाइम वहाँ गया था, तो वो अपसेंट चढ़ गया था, तो उसका मतलब पास होने के लिए ये असाइनमेंट देना है इस बार, तो जरा वो जाके आता हूँ। हालांकि अभी तो हमारा फाइनल का पेपर है, लेकिन 2 साल पहले का बैक का अभी करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन के चलते फिर ऐसे ही हो गया। ये देखो भाई इतना बड़ा बन रहा है, और यहीं सामने पे इधर पे है अपना हॉस्टल, और बाकी ये है कॉलेज में। और इधर पेपर चल रहे हैं, मेरे पेपर तो परसों 27 है, तो सरिया वगैरह बहुत सारी सरिया इधर, ये है पेड़ पूड़, कितने सारे पेड़। आगे मैं बात कर रहा था कि आपको अगर गोपेश्वर में कहीं ज़्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे, तो वो यहीं अपने कॉलेज में देखने को मिलेंगे, इधर ये इतने सारे पेड़। तो यह है दोस्तों अपना कॉलेज, और अभी इस पर लगे हैं रोल नंबर हो गया जिसके जहाँ पेपर होंगे। हिस्ट्री डिपार्टमेंट है हमारा, कॉलेज से थोड़ा बाहर है, यहाँ नीचे चलेंगे अभी।
तो ये हमारा कॉलेज का गेट तोड़ दिया भाई यहाँ पे। बाकी इधर है प्राचार्य ऑफिस और यहाँ चलते हैं हमारी क्लासे वगैरह, कई बार दिखाया था मैंने। बाकी हमारे लिए इधर स्टूडेंटों के लिए बाइक पार्किंग, तो गाड़ियाँ तो इधर ही खड़ी करी रहती। तो यहाँ पे से जरा आपको कॉलेज दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। तो यहाँ से व्यू देख सकते हैं, काफ़ी तगड़ा लग रहा है कॉलेज का नज़ारा, मतलब एकदम प्यारा सा लग रहा है। तो चलो चलते हैं जरा यहाँ नीचे। दोस्तों भाई अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो देखते हैं खुला है या नहीं। सर ने मुझे वैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि आधे घंटे बाद आना, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, तो देखते हैं ऊपर खुला है या नहीं। तो यहां देख सकते हैं कितना चमक रहा है भाई। थोड़ा आराम से बोलता हूं क्योंकि सर तो अभी चिढ़ जाएंगे फिर। हेलो अमित, तो भी जमा ही कर रहा था है, डिपार्टमेंट खुला है। देखिए गाइस डिपार्टमेंट खुला है। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं जरा ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर में वो ब्लड डोनेट करने, तो अभी मेरा फर्स्ट टाइम है, तो अभी जरा जल्दी में, तो चलते हैं जरा आज फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करने, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मुझे तो भाई सुई लगाने में भी डर लगता है, फिर उसमें तो कितनी मोटी सुई लगाते हैं, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों भाई अभी पहुंच चुके हैं हम लोग हॉस्पिटल में, ये देख सकते हैं इधर पीछे हॉस्टल हॉस्पिटल के हैं सब जगह हॉस्टल यार। तो अभी चलते हैं देखते हैं कहाँ जमा करना है, सॉरी कहाँ डोनेट करना है, चेक करना पड़ेगा ना, चेक तो दोस्तों भाई हो चुका है अपना काम कंप्लीट सॉरी। तो अभी निकाल लिया ब्लड, तो अभी ये लगा रखा शायद पता नहीं कितना टाइम रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अभी फर्स्ट टाइम था, तो मैं चाहता भी था कि मैं एक बार ब्लड डोनेट करूँ। तो अभी ये फ्रूटी मिली फ्री की, बाकी है अपने बड़े भाई विपिन परसवान, तो इन्होंने ही हमें बोला, तो इनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने मतलब मुझे एक बार फर्स्ट टाइम अभी ब्लड डोनेट करने का मौका दिया। आप करवाते रहेंगे क्यों? हर तीन महीने में कितने, एक बार? तीन महीने में एक बार। अच्छा तो कोई नहीं, अगर कोई इधर लोकल बंदा है तो तीन महीने हो जाएंगे, तो जिसको चाहिए होगा बता देना। हाँ। क्यों सही करते बिल्कुल बिल्कुल चलो ना ओके। तो दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं हॉस्पिटल से अपने हॉस्टल में, तो मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब मैंने अभी फर्स्ट में बताया था कि मेरा अभी फर्स्ट टाइम है, तो टोटल मिला के मज़ा आया, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि भाई जो सुई रहती है वो ब्लड डोनेट वाली तो काफ़ी मोटी होती है, तो भाई मैंने कहा यार दर्द होता होगा, क्योंकि अगर मेरे पे बारीक सुई भी लगाता है कोई इंजेक्शन वगैरह जो भी होता है तो मतलब काफ़ी डर लगता है, काफ़ी दर्द होता है उससे, लेकिन जो ये ब्लड डोनेट वाली थी तो इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो एक्चुअली वो ब्लड कल में शायद किसी औरत की डिलीवरी हुई थी, तो उनको ज़रूरत थी ब्लड की, तो उन्होंने विपिन भाई को बताया, और विपिन भाई ने अभी मुझे मिले थे कॉलेज में, तो विपिन भाई ने मुझे कहा यार ब्लड डोनेट कर दो, बट क्या है बताओ, मेरा ई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो अभी चलते हैं अपने हॉस्टल के अंदर, बाकी आप अगर मौका मिले कभी ब्लड डोनेट करने का तो ज़रूर करें। तो चलो चलते हैं अंदर, बाकी ये रहे हमारे सीनियर बड़े भाई दीपक नेगी। हेलो गाइस क्या हाल है, प्लीज़ डू लाइक, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। तो
तो चलिए चलते हैं अपने रूम में। तो पहुंच चुका हूं मैं अपने रूम में। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है वीडियो को एंड करने का। तो उससे पहले थोड़ा आपको इधर का जो व्यू है अभी तो मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा आपको भी दिखा दूँ। तो चलिए ज़रा कैमरा बैक करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद करते हैं ये ब्लॉग को यहीं पे। तो दोस्तों गोपेश्वर से जो सामने का व्यू है तो आप ये देख सकते हैं भाई, गजब का नज़ारा है, गजब का व्यू है। इधर पे अपना कॉलेज और ये है व्यू भाई, इधर मतलब एकदम बोल सकते हैं अल्टीमेट व्यू। इधर अपना साइड ऊपर हो गया, फिर इधर तो पीपल कोटिया है, वो ऊपर देख रहा होगा तुम, उसके हल्के ऊपर ऊपर है, बट वहीं से स्टार्ट हो जाता है पीपल कोटी। और धूप देख सकते हैं और बाकी ऊपर आसमान, मतलब गजब का लग रहा है, लग रहा है ना एकदम मस्त। तो दोस्तों भाई आज के व्लॉग में फिलहाल इतना ही था, तो करते हैं ये व्लॉग को यहीं पे। और हमारे साइड तो भाई ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होने स्टार्ट हो गया, हमने देख सकते हैं जैकेट पहन रखी है और मैंने स्वेटर निकाल दिया, ठंडा हो रहा ना। हाँ आगे लग रही थी ठंड, अभी तो ठीक है मौसम, फिर भी मतलब थोड़ा ठंडा ही लग रही है। तो चलिए आनंद मैं वीडियो एंड कर रहा, तो कुछ मतलब वीडियो एंड कैसे करते हैं। तो दोस्तों करते हैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी लाइक कमेंट तो कर देना, कर देना तो सब्सक्राइब मतलब कर देना, और साथ ही साथ वो बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ऐसा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, यहाँ पर देखना चाहिए तब ठीक लगता। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय। भगवान करे आपका समय शुभ हो, और क्या शुभ हो, बाकी सब शुभ ही शुभ हो। तो ठीक है, जय हिंद जय वंदे मातरम। तो ठीक है भाई।